What is ACCA? ACCA क्या है? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, then this video belongs to you. Hi everyone, good morning, good afternoon, good evening. Wherever you are, I am ACCA Disha Chauhan, a proud film drama. Welcome everyone to a brand new series hashtag ACCA for class 12. तो बच्चों, इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं about so many things related to ACCA जो कि आपके लिए होगी बहुत ही ज्यादा beneficial. तो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे कि आपने टॉपिक पढ़ी लिया है, आज का टॉपिक है what is ACCA. तो सिंपली समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि ACCA एग्जैक्टली ये कोर्स है क्या. ये एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसको आप एक बार जब कंप्लीट कर लो तो आप बनते हो इफेक्टिवली एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट ही. ACCA का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट. तो ये एक बॉडी है जिसका जब आप यू नो क्लियर कर जाते हो सारे पेपर्स रिक्वायरमेंट्स तो आप भी इस बॉडी की एक मेंबर बन जाते हो. तो ये जो बॉडी है ACCA रिकॉग्नाइज्ड है ऑलमोस्ट 180 प्लस कंट्री में. सो एज एन ACCA आपके पास देन अपॉर्चुनिटी होती है टू वर्क इन एनी ऑफ दोस कंट्रीज, क्योंकि इन सारी कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, इन सारी कंट्रीज में ये क्वालिफिकेशन को वो रिकॉग्नाइज करते हैं, वैल्यू देते हैं. सो ये जो कोर्स है, ये जो बॉडी है, बहुत ही प्रेस्टीजियस बॉडी है. ACCA has been around over 100 years. So you can imagine, इतने सालों से अगर कोई institution है, तो it has built, you know, इतनी reputation for quality and, you know, as such, सबको पता है इसके बारे में कि हाँ भाई, इससे अगर आपने किया है को course, अगर आप ACCA member हो, अगर आप ACCA में भी आप पढ़ो, student हो, तो everybody knows that yes, you are part of a great organization, institution or body, you can say. तो ये जैसे कि आपको पता है इतने सालों से है, इतने सालों से यू नो पीपल हैव बीन बिकमिंग अ पार्ट ऑफ इट, स्टूडेंट्स हैव बीन कमिंग इन, यू नो देयर हैव बीन सो मेनी मेंबर्स अक्रॉस द ग्लोब. ये सिर्फ एक दो कुछ कंट्रीज में नहीं है कि उस कंट्री में वैलिड है. एज एन ACCA आपको एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी इसलिए तो मिलती है क्योंकि ये 180 प्लस कंट्रीज में यू नो रिकॉग्नाइज्ड है. तो आप जो है अगर कभी स्विच करते हो, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते हो, तो आपके लिए बहुत इजीली हो जाता है देन उस कंट्री में जॉब ढूंढना. सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंट्रीज जिसमें यू नो पीपल लव टू गो, लेट्स अगर आप इंडिया में हो एंड आपको फ्यूचर में प्लान है कि भाई मुझे थोड़े टाइम बाद बाहर जाना है, तो आप जा पाओगे. आप जा पाओगे क्योंकि आपने एक ऐसा कोर्स किया है जो कि रिकॉग्नाइज होगा उस कंट्री में. सो देर आर यू नो पॉपुलर कंट्रीज जहाँ लोग जाते हैं, यू नो सो मेनी स्टूडेंट्स इवन फ्रॉम इंडिया गो आर लाइक UK, कैनेडा हो गया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया एंड दुबई. इन सारी कंट्रीज एंड सो मेनी मोर में ACCA रिकोगनाइज है. वहाँ पे ACCA को जो भी जिन्होंने ACCA किया है उनको मिल जाता है जॉब इन द रिक्वायर्ड फील्ड जहाँ वो करना चाहे, चाहे वो ऑडिटिंग हो गया, अकाउंटेंट हो गया, टैक्स हो गया, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप इस कोर्स में पढ़ते. हमने समझ लिया भाई ACCA क्या है. ठीक है, ये एक इंस्टीट्यूशन है, ये एक बॉडी है, मैम, जो कि रिकॉग्नाइज्ड है, रिप्यूटेड है क्योंकि इतने सालों से है एंड इसको इसमें यू नो उसका पार्ट बन के इससे पढ़ के एक सर्टिफाइड अकाउंटेंट बन जाते हैं. इफेक्टिवली हम एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन करते हैं. जैसे कि कई लोग यू नो डिग्री में करते हैं अपना, बैचलर्स हो गया, फिर मास्टर्स हो गया, तो वैसे ही आप देखते हो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस भी होते हैं, कई टाइप के होते हैं. ठीक है, उसमें चाहे CFA हो गया, CA हो गया, ACCA हो गया, ये सारे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है. ACCA क्यों बेटर हो जाता है कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से, वो हम आगे जब सीरीज में बढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा. बट मोटा मोटा फ्लेक्सिबल है एंड बाकियों से कंपेयर अगर करो तो डेफिनेटली कॉस्ट इफेक्टिव भी है. पर डिटेल में ACCA के क्या फायदे होंगे और क्या क्या और चीजें वो हम आगे सीरीज में आराम से कवर करेंगे, सो डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. अब हम समझ लेते हैं अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो मैम, कोई भी ACCA कर सकता है, कल को मैं चाहूँ, XYZ चाहे, कोई भी कर सकता है.
तो एक क्राइटेरिया है। पहला तो 10+2 के बाद कोई भी करना चाहे तो उसका एक क्राइटेरिया आता है कि आपको अपने मैथ्स और अकाउंट्स एंड इंग्लिश में एग्रीगेट होना चाहिए आपके मार्क्स 65% और बाकी सारे सब्जेक्ट में मिनिमम 50%। अगर आप ये क्राइटेरिया मीट करते हो वेल एंड गुड, यू कैन जस्ट स्टार्ट ऑफ विथ योर ACCA रूट। अब उसमें अगर आप यू नो कॉलेज लेवल पे हो तो आपको कुछ एग्जेम्पशंस मिलेंगे, अगर आप जॉब लेवल पे आपने मतलब कॉलेज पूरा कंप्लीट कर लिया, वो सारी चीज़ें बाकी है। सिंपल चीज़ ये है कि आप रूट कौन सा फॉलो करोगे। दो रूट्स होते हैं, एक है ACCA रूट और एक होता है हमारा FIA यानी कि फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट। तो ACCA रूट आपने 10+2 कंप्लीट कर लिया और आप ये मार्क्स वाला क्राइटेरिया मीट करते हो, मैथ्स और अकाउंट्स एंड इंग्लिश में 65% और बाकी में 50%। लेकिन मैम मैंने 12th कंप्लीट कर लिया है पर मेरे मार्क्स वाला मैं ये चीज़ मैच नहीं कर पा रहा हूँ, मीट नहीं कर पा रहा हूँ, या आपका एग्रीगेट 65 नहीं या किसी सब्जेक्ट में 50% से कम है, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्या आप ACCA फिर भी कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। पर मैम मैं ना 10+2 का मैंने एग्जाम ही नहीं दिया, मैं 12th में हूँ पर मैं सोच रहा हूँ अभी से ACCA स्टार्ट कर लूँ। बहुत बढ़िया सोच रहे हो, पर क्या मैं ये कर सकता हूँ? मैं 11th में हूँ, 10th कंप्लीट हो गए, ACCA करना चाहती हूँ, क्या मैं कर सकता हूँ? यस मैम, मैं तो कॉमर्स स्टूडेंट ही नहीं हूँ, मैं आर्ट्स बैकग्राउंड से हूँ या साइंस बैकग्राउंड से हूँ और मैं 11th क्लास में हूँ चाहे 12th क्लास में हूँ, क्या मैं ACCA भी कर सकता हूँ? यस, आंसर टू ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस इज यस। उसके लिए आ जाता है आपका सेकेंड रूट जो कि होता है FIA रूट, फाउंडेशन इन अकाउंटेंसी रूट। तो मैम ये क्या है, FIA रूट हो गया, ACCA रूट हो गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई टेंशन की बात नहीं है बच्चों, एक ही चीज है इन अ वे। FIA रूट में आपको 7 पेपर्स होते हैं लेकिन उसमें से जो 4 पेपर्स हैं वो ऑप्शनल होते हैं। FIA रूट बनाया क्यों गया है, इसीलिए जैसे लेट्स से अगर आपने वो क्राइटेरिया मीट नहीं किया मार्क्स का, या आप दूसरे स्ट्रीम से हो, कॉमर्स से हो नहीं, या आप 11th क्लास में हो और आप तब ACCA करना चाहते हो, तो इसलिए FIA रूट इसलिए बनाया है कि भाई उनको लगता है ACCA वालों को कि शायद आप क्योंकि वो क्राइटेरिया मीट नहीं कर पाए फॉर XYZ रीजन, तो आपकी शायद उतनी अकाउंटेंसी अभी अच्छी नहीं है या बेसिक्स थोड़े वीक है, इसीलिए उन्होंने ये 7 पेपर्स रखे हैं जिसमें से 4 फिर भी ऑप्शनल रखे हैं। जरूरी नहीं कि हर बच्चे को वो देना होगा, आपके ऊपर चॉइस है। अगर आपको लगता है नहीं आई एम गुड इनफ, मुझसे मुझे जरूरत नहीं वो 4 देने की, तो आपको देने की जरूरत है भी नहीं क्योंकि वो 4 पेपर है ऑप्शनल। आ जाते हैं हम बाकी के 3 पेपर पे, और ये जो 3 पेपर है ना बच्चों, ये एग्जैक्टली वही 3 पेपर्स हैं जो कि आप अगर ACCA रूट से घुसते तब भी वो सेम पेपर होते हैं। ये तीनों पेपर एग्जैक्टली सेम पेपर है, जो सब्जेक्ट का नाम है सेम है, हर चीज सेम है, बस रूट का नाम इसलिए अलग रखा है क्योंकि उसमें वो 4 पेपर ऑप्शनल है। तो अगर आप वो नहीं देना चाहो तब भी आप जो है सीधा ये 3 पेपर्स देके आप किधर पहुंचोगे, ACCA के स्किल लेवल, 3 लेवल्स हैं, नॉलेज स्किल प्रोफेशनल, ये सब डिटेल में हर लेवल सब्जेक्ट्स का हम सीरीज में आगे बात इसके कर दिए जाएंगे, सो वॉच आउट फॉर द अदर वीडियोस ऑल्सो। तो भाई मैंने दिया इस रूट से FIA, 3 पेपर्स देने हैं जो कि मैंडेटरी है और मैं सीधा स्किल लेवल में पहुंच जाऊँ, या फिर मैं ACCA रूट से जाऊँ जहां मैं ये 3 पेपर दूं और स्किल लेवल में जाऊँ, और अगर मैं यू नो ग्रेजुएशन की बात कर जाऊँ तो मुझे एग्जेम्पशन भी मिल जाता है उन पेपर से, वो तो अलग ही बात हो गई। पर अगर आप किक स्टार्ट करना चाहते हो अपना करियर, अपनी जर्नी एंड एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना चाहते हो जितना जल्दी हो सके अपने करियर में, अपनी लाइफ में, then nothing like that, right? तो उसके लिए आप स्टार्ट कर सकते हो ACCA right after your class 10th by the FIA route or right after your class 12th if you meet that criteria, well and good, if you don't meet तब भी कोई problem नहीं, FIA route तो है ही जो कि same ही है in a way। तो effectively जो मैं कहना चाह रही हूँ, चाहे आप 10th के बाद कर रहे हो, चाहे आप 11th में कर रहे हो, 12th के बाद कर रहे हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप फॉलो कर रहे हो इफेक्टिवली वही चीज, चाहे वो ACCA रूट हो गया, FIA रूट हो गया, पेपर्स तीनों आप सेम ही आपको देने हैं, बस नाम ये अलग रखा है। तो इफेक्टिवली आप कर पाओगे वही और आप पहुंच जाओगे अपने देन नेक्स्ट लेवल पे। तो ये तो बहुत ही बढ़िया है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है। आप आर्ट स्ट्रीम से हो, साइंस स्ट्रीम से हो, 11th में स्टार्ट करना चाहते हो, 12th में स्टार्ट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। या 12th के जस्ट रिजल्ट्स के बाद स्टार्ट करना चाहते हो तो आप अपना वो क्राइटेरिया देखो, मार्क्स का मीट होता है ग्रेट,
नहीं भी होता है तो दूसरा रूट तो है जो कि सेम ही है इन अ वे इफेक्टिवली। तो ये हो गया आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो हमने समझ लिया अब इस वीडियो में ACCA क्या है, कितना प्रेस्टीजियस है, करना उसको कोई चाहे तो वो क्या क्राइटेरिया है, कौन एलिजिबल है। तो ACCA जैसे कि मैंने कहा बच्चों 180+ कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है। बड़ी MNCs हो गई, बिग फोर्स हो गए, ये सारी कंपनीज जो है ACCA इसको हायर करती है अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज वो जानती है कि ये जो ACCA इंस्टीट्यूशन है, ये जो बॉडी है वो कितनी रेप्यूटेड है और उससे जो निकलते हैं ये मेंबर्स बच्चे एज प्रोफेशनल्स वो कितने नॉलेजेबल होते हैं, उनकी टेक्निकल स्किल्स कितनी अच्छी होती है, उनकी प्रोफेशनल स्किल्स कितनी अच्छी होती है, इसीलिए दे प्रिफर टू हायर ACCA। तो ACCA करना, ACCA बनना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो हमने अब समझ लिया कि भाई हाँ ACCA करके हम बनते हैं एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट, हम कर रहे हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। एंड वी एट FinTram ग्लोबल आर द गोल्ड अप्रूव्ड ACCA लर्निंग पार्टनर्स एंड वी हेल्प स्टूडेंट्स अक्रॉस द ग्लोब राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन, कोचिंग एंड मेंटरिंग देम। वी ऑल्सो ऑफर स्कॉलरशिप्स वर्थ 91,500 रुपीज। तो हम स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं सो कॉन्टैक्ट अस, विजिट आवर वेबसाइट, रजिस्ट्रेशन, क्लासेस, वेबसाइट लिंक्स ये सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप जाइए, क्लिक कीजिए, गो विजिट द वेबसाइट एट लीस्ट, एक बार देखो तो कि है क्या, एंड गेट इन टच विद FinTram ग्लोबल सो वी कैन गाइड यू। आपका रजिस्ट्रेशन, कोचिंग सब कुछ सॉर्टेड है, कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। एंड इससे रिलेटेड हम ये सीरीज को अब कंटिन्यू करने वाले हैं, इससे रिलेटेड ACCA से रिलेटेड हम बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियोज डालने वाले हैं। So that you don't miss out on any of them, do subscribe and hit that notification icon. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा then please give it a like and definitely friends share करो इसको आप अपने friends के साथ, अपनी family के साथ, educate people about what is exactly ACCA, right? आप सबको बताओ so that आपको कोई friend हो शायद 11th में 12th में उसको एक गाइडेंस मिल जाए, उसको पता चल जाए कि ऐसा कुछ है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, अपने क्लासमेट्स, अपने पीयर्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ये वीडियो, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, वो आपके कजन्स जिसके साथ भी आपको लगता है ये हेल्पफुल होगा उनके साथ शेयर कीजिए। एंड कमेंट डाउन बिलो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, वी विल बी हैप्पी टू टेक अप। अगर आप चाहते हो हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, जो ACCA का कोई टॉपिक है उस पे कोई वीडियो बनाए तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में डाल दो एंड वी विल बी हैप्पी टू डू दैट। तो बच्चों आज कर ली हमने बात अबाउट ACCA एंड आई विल सजेस्ट कि आप डेफिनेटली एक बार हमारी वेबसाइट पे जाइए एंड देखिए एंड कॉन्टैक्ट अस, गेट इन टच विद द टीम सो दैट वी कैन हेल्प यू आउट विद द रजिस्ट्रेशन एंड एवरीथिंग। अब मैं आपको मिलने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट एपिसोड में काफी जल्दी, जहाँ पे हम कुछ और अच्छी अच्छी चीजों ACCA से रिलेटेड चीजों पे बातें करेंगे जो आपके लिए आई एम श्योर होंगी बहुत हेल्पफुल एंड इंटरेस्टिंग भी। सो डोंट मिस आउट दोज वीडियोस आल्सो, उसके लिए सब्सक्राइब कर देना जरूर। ऑलराइट फ्रेंड्स, टिल देन दिस इज दिशा चौहान साइनिंग ऑफ।